हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बिस्किट की, और ये हम बनाने वाले हैं एकदम हेल्दी तरीके से। इसमें हम मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो फटाफट से चॉकलेट बिस्किट की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक छन्नी में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच गेहूँ का आटा, साथ में डालेंगे हाफ कप रागी फ्लोर, तो ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी, तो यहाँ पर हमें 1/4 कप लेनी है। चीनी को घर में ही पीस लिया था। साथ में हम इसे चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है लेवल करके। अब सारी चीज़ों को हम एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स हो तो वो निकल जाए। आप इसमें 1/2 रागी और 1/2 गेहूं का आटा ऐसे भी बिस्किट्स बना सकते हैं, और इस मेजरमेंट से भी बना सकते हैं। तो ड्राई मिक्सचर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं चॉकलेट फ्लेवर का एसेंस डालूंगी। आप चाहे तो वेनिला भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर, तो यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसका हम हाथ से ही आटा बनाएंगे। ज़रूरत लगने पर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, तो एक साथ हमें ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है। तभी मैंने 1 चम्मच डाला है, और इसे एक बार गूंथ लेंगे। ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा सा और मिल्क ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 3 चम्मच जितना मिल्क मैंने लिया था। तो हमारा आटा रेडी हो चुका है। तब हम इसे बेल लेंगे, तो यहाँ पर इसे मैंने बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ में मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। तब हम इसे रोल करने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर हमें प्लास्टिक रखना है ताकि ये स्टिक ना हो। मार्केट स्टाइल बिस्किट लगे इसके लिए यहाँ पर हम इस तरह से टूथपिक से इंप्रेशन बनाएंगे, तो लाइंस बनानी है। अब कुकी कटर की मदद से हम बिस्किट को राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्वायर भी बना सकते हैं, पर मार्केट में ये राउंड शेप में ही मिलते हैं। तो है ना एकदम घर में बने हुए आसान सी रेसिपी। तब इस बिस्किट को हमें सावधानी से उठाकर इसे बेकिंग ट्रे के ऊपर रखना है। आप इस तरह से भी बिस्किट बनाने के बाद लाइंस बना सकते हैं। ज्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए आप इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। होममेड चोको चिप्स की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पर ज़रूर से देखें। तो यहाँ पर हमारे सारे बिस्किट्स रेडी है, तो इसे हमें बेक करना है 180 डिग्री पर 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर सारे बिस्किट अच्छे से बेक होकर रेडी हो चुके हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर बिस्किट रेडी हो जाएंगे। तो है ना एकदम आसान रेसिपी। तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल बिस्किट, वो भी हेल्दी। बिना मैदा के भी बिस्किट एकदम बढ़िया लगते हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो आज का आपकी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फटाफट लाइक ज़रूर करें, और इसे शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।